हेलो दोस्तों, कैसे हो बच्चों? नया चैप्टर आज का, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी सेक्शन 129। चैप्टर का नाम हमारा फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी सेक्शन 129। बहुत प्यारा चैप्टर है, बिलीव करो ये चैप्टर इतना अच्छा है कि कल को जब आप बड़े बच्चे बन जाएंगे और किसी कंपनी में काम करने जाएंगे तो मेरे बच्चे ये चैप्टर आपको हमेशा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आज के टाइम पे कंपनी की जो अकाउंटिंग होती है वो इसी सेक्शन 129 के मुताबिक होती है। ये कैसे काम करेगा, क्या मतलब है, कैसी कैसी बातें हमें पढ़नी होगी, वो सारी बातें हम शुरू करते हैं। आप ध्यान से मेरे साथ चलेंगे और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट आपको आ जाए। एक बात ध्यान रखना, आप अपने बुक के किसी भी चैप्टर को पढ़ो, किसी भी चैप्टर को, जहाँ पे कंपनी की बात की जा रही हो। मैं पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहा, मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात नहीं कर रहा। अगर कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो मेरे बच्चे, अगर कंपनी की बात होगी ना तो उस कंपनी में जो बैलेंस शीट बनेंगे, जो प्रॉफिट लॉस बनेंगे, वो इसी के मुताबिक बनेंगे। इसलिए चैप्टर आपको बहुत ध्यान समझना पड़ेगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें हम इसमें सीखेंगे। आइए जरा लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, इस चैप्टर में टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो लिखेंगे आप इसके अंदर में नंबर वन पहला टॉपिक, यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक लिखेंगे। कहता है कि क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा। देखो पहले होता था क्लासिफिकेशन करंट एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, अब चेंज हो गया बच्चे। मजे की बात है कि करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी का डेफिनेशन भी चेंज हो चुका है। सर वो क्या है, हम सीखेंगे बच्चे, थोड़ा सा वेट करो। लिखो यहां पे सेकंड टॉपिक, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब देखो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है, डिविडेंड पे करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखी जाएंगी हम उसको यहां सीखेंगे। टैक्स ट्रीटमेंट, कंपनी के बुक में टैक्स की अकाउंटिंग कैसे होगी, टैक्स की अकाउंटिंग वो कैसे होगा हम सीखेंगे यहाँ पे। सर हम टैक्स की क्लास पढ़ रहे हैं? नहीं बच्चे, हम टैक्स नहीं पढ़ रहे हैं, टैक्स का ट्रीटमेंट अकाउंटिंग कैसे होगा वो सीखेंगे यहाँ पे, आपका अकाउंटिंग की बात करेंगे। फिर फोर्थ में आपका होगा मैनेजरियल रेमुनरेशन, मैनेजरियल रेमुनरेशन, ये जो कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो MD होते हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं बच्चे, इनका रेमुनरेशन एक लिमिट तक ही पे हो सकता है, वो लिमिट कितना हम यहाँ सीखेंगे। और फिफ्थ टॉपिक आपका होगा यहाँ पे फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, कंपनी का जो फाइनल अकाउंट्स है, यानी कि इनका प्रॉफिट लॉस, इनका बैलेंस शीट कैसे बनता है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। एक बात ध्यान रखना, ये सारे टॉपिक्स आके यहाँ पे क्लब्ड हो जाएंगे, मतलब फाइनल अकाउंट में सारी बातों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। एक और भी चीज़, आपको जो क्लासेज आपके घर में डिलीवर्ड की जाएंगी वो आपके सिलेबस के मुताबिक ही की जाएगी, आप परेशान नहीं होना। हो सकता है कि आप में कई सारे बच्चे हैं जिनके एग्जाम में ये टॉपिक नहीं है, तो फिर ये हम आपको डिलीवर्ड नहीं करेंगे। यानी कि जितनी क्लासेज आपको डिलीवर्ड की गई है वो आपके सिलेबस के मुताबिक है, आपको पढ़ना होगा। तो आओ जरा मैं शुरू करता हूँ, आप प्लीज इसकी कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो। और पहले आज मैं शुरू करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी। मैं इसको मिटा दूँ? सर हाँ सर मिटा दो। लो मैंने इसको मिटा दिया, आप एक काम करो, अब नया पेज लो, छोड़ दो इस पेज को, जितना भी जगह बच गया कोई दिक्कत नहीं, आप जगह छोड़ दो और अगले पेज पे लिखो हेडिंग आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी। चलिए जल्दी से आप नया पेज लेंगे और नए पेज पे लिखेंगे जी हेडिंग आप। चलो मैं भी आपके साथ लिख लेता हूँ क्या जाता है, मैं भी लिख लेता हूँ, लिखो मेरे साथ यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी। तो पहला हेडिंग जो आप यहाँ डाल रहे, फर्स्ट टॉपिक आपका जो आज हमने स्टडी करना है वो हमारा है क्लासिफिकेशन। लिखिए मेरे साथ क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जो एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे होगा हम उसके बारे में सीखेंगे। लिखेंगे नंबर वन पहला पॉइंट यहां पे, मीनिंग ऑफ, फटाफट लिखेंगे, फटाफट सारी बातें समझाऊंगा, चिंता नहीं करना, लिख चलो आप, मीनिंग ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। सर करंट एसेट्स का हम मीनिंग जानते हैं सर? नहीं बच्चे नहीं, पहले होता था जो आप जानते हो, अब इसका मीनिंग थोड़ा चेंज हुआ है। जरा देखो क्या बोला जाता है, लिखेंगे इसके अंदर में करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स, दोज एसेट्स विच आर, विच आर, विच आर, लिखेंगे यहां पे प्राइमरली, प्राइमरली हेल्ड फॉर, हेल्ड फॉर बींग, बींग ट्रेडेड,
जिनको हमने अपने पास रखा है ट्रेड करने के लिए, ट्रेड, और लिखेंगे यहां पे डैश देके दोबारा यहां पे विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड और रियलाइज्ड इन कैश विदिन हायर ऑफ लिखना विदिन हायर ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है अभी बताऊंगा, लिखो पहले आप यहां पे विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड और रियलाइज इन कैश विदिन हायर ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग साइकिल एंड 12 मंथ्स। सर ये क्या मतलब है अभी बताऊंगा, लिखो तो पहले यहां पे लिख लिया सर, हमने लिख लिया। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा अभी समझाऊंगा, थोड़ा सा आगे समझाऊंगा, जब ये हमारा टॉपिक खत्म होगा तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। पहले कहता है कि करंट असेट्स का मतलब जो प्राइमरली, मतलब जिसका मेन पर्पस आपको ट्रेड, यानी कि ट्रेड करना, ट्रेड मतलब क्या जी, गुड्स बेचना। तो ब्रोचे जिनको भी आपने रखा है गुड्स, जिन गुड्स को बेचने के लिए, वो हमेशा क्या होगा, करंट एसेट्स होगा। इसमें लिख लो मेरे साथ यहां पे, फॉर एग्जांपल आपका स्टॉक हो गया, स्टॉक सर किस चीज का है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो जिसको ट्रेड में यूज करना मेरे बच्चे, चाहे वो WIP हो, वर्क इन प्रोग्रेस, और चाहे वो आपका फिनिश गुड्स हो, कोई भी इनमें से किसी का भी स्टॉक पड़ा हुआ है तो एक तो वो आपके करंट एसेट्स में आ जाएंगे। इनके सिवाय कोई भी एसेट्स, कहते हैं कि दोज एसेट्स, कोई भी एसेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, एक्सपेक्टेड करना आप अंडरलाइन, एक्सपेक्टेड मतलब जो हमें लगता है कि सोल्ड हो जाएंगे या फिर कैश में रियलाइज हो जाएंगे, विद इन करेंगे आप अंडरलाइन, विद इन हायर ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग साइकिल एंड 12 मंथ्स को करेंगे आप अंडरलाइन। सर ये क्या है अभी बताता हूं मैं आपको, पहले आप इसकी कॉपी कर लो। सर हो गया सर, बताओ ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखना, पहले तो नया चीज है आपको समझने के लिए, और कुछ बातें हैं जो मैं आगे समझाऊंगा, टॉपिक खत्म होगा सारी बातें समझ में आ जाएंगी, तो पेशेंस वाइज मेरी बातें आप सुनेंगे। पेशेंस वाइज मैं काम करता हूं, मैं ना इसको समझाने के लिए पहले आपको एक एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल लिखिए मेरे साथ यहां पे, एग्जांपल नंबर वन, पहला एग्जांपल कहता है कि आप कमेंट करो कि वेदर फॉलोइंग एसेट्स, अभी नहीं, पहले आप यहां तक लिख लो, आप पहले सर लिख लिया। अब ना एक काम करो, ये तो करंट एसेट्स हुआ ना, पहले चलो साथ ही साथ लिख लो मेरे साथ यहां पे मीनिंग ऑफ फिक्स्ड, यानी कि नॉन करंट एसेट्स, मीनिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स। पता है पहले करंट एसेट्स होता था, फिक्स्ड एसेट्स होता था, अब करंट एसेट्स होगा या फिर नॉन करंट एसेट्स होगा, आओ इसका भी डेफिनेशन हम लिख लें, फिर मैं इसको आपको समझाऊंगा। लिखना दोज एसेट्स which cannot be classified as current assets are called non current assets। ये लीजिए, कहते हैं कि जिनको आप करंट एसेट्स नहीं कह सकते उन सबको हम यहां पे क्या बोलेंगे जी, नॉन करंट एसेट्स, उनको हम बोलेंगे नॉन करंट एसेट्स। बात समझ में आ रही है सर? हाँ सर, थोड़ी। आओ ना इन बातों को ठीक से समझाता हूं। एग्जांपल नंबर वन लिखिए मेरे साथ यहां पे, एग्जांपल नंबर वन कहते हैं कि कमेंट करो whether the given asset, मान लो कोई asset है, given asset is current asset और non current asset। वो पूछता है, जरा बताओ जिस assets की बात अभी सर कहने वाले हैं वो आपका current assets होगा कि non current होगा। अब देखो information क्या बता रहा है,
कहता है कि जो ऑपरेटिंग साइकिल है, ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंपनी. सर ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब होता है? देखो अगर थोड़ा सा मीनिंग समझाऊं, थोड़ा सा मीनिंग, तो मेरे बच्चे अगर मान लो मेरा काम ये आपका बनाना है, क्या बोलते हैं इसको, रिमोट. अगर मेरा रिमोट बनाना है तो रिमोट बनाने के लिए जब हमने पेमेंट किया था रॉ मटेरियल के लिए, ध्यान सुनना मेरी बात को, आगे मैं लिखाऊंगा, इसके लिए जो रॉ मटेरियल पेमेंट परचेज किया था और हमने पेमेंट किया था बच्चे, उस समय से लेकर इसको बेचने तक में, बेच के जो कैश मेरे पास आया, मतलब जो कैश पहली बार गया इस प्रोडक्ट के लिए, और जो कैश मेरे पास आएगा बेचकर, इस ड्यूरेशन में जितना समय आपको लगता है उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल. ऑपरेटिंग ऑपरेशन की साइकिल, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनना थोड़ा सा, क्योंकि आगे मीनिंग बताऊंगा डिटेल में. हमने कहा कि यार इसका जो रॉ मटेरियल है ना, वो हमने आज से 4 महीना पहले परचेज किया था, 4 महीने पहले हमने यहां पर रख दिया टाइम. अब इससे जो हमने रिमोट बनाया और बेच दिया, मेरे बच्चे इसको बेचने में ये पूरा जो प्रोसेस है ना, पूरा प्रोसेस मान लो मेरा 9 महीने का लगता है, तो ये जो 9 मंथ्स का पीरियड होगा ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल. फिर से सुने क्या बोला, कैश जो हमने इसके लिए पे किया था रॉ मटेरियल के टाइम पे, उस समय से लेकर जो कैश हमारे पास अल्टीमेटली आया इसको बेचकर जब आया, ये गैप जो है ना, ये जो समय है, इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल. मैं इसका डेफिनेशन लिखाऊंगा बाद में, पहले थोड़ा सा मैंने समझा दिया. तो मान लो कहता है कि भैया ये कंपनी का जो ऑपरेटिंग साइकिल है ना, यानी कि जिस प्रोडक्ट में कंपनी डील कर रही है उस प्रोडक्ट में मान लो 10 मंथ्स का समय लगता है, यानी कि 10 मंथ्स में क्या होता है जी, आपका कैश में ये आपका कन्वर्ट हो जाता है इनका एसेट्स. और कहता है कि आपका एसेट हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड आपका कहता है विद इन, ये कहता है मान लो आपका, क्या लिखूं मैं, मान लो 13 मंथ्स के अंदर में बच्चे, कहता है कि 13 मंथ्स, कहता है यहां देखो क्या लिखा था, विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, जो हमें लगता है कि मैं सेल करूंगा कितने समय में आपका, 13 मंथ्स में. तो आपको कमेंट करना है कि आपका ये जो एसेट है, जिस एसेट्स की हम बात कर रहे हैं, ये करंट है कि नॉन करंट है. देखो सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, सॉल्यूशन पहले मुझे जल्दी से बताओ कि इस एसेट का ऑपरेटिंग साइकिल, सॉरी एसेट का नहीं, कंपनी का होता है, कंपनी का जो ऑपरेटिंग साइकिल है, ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी को जो प्रोडक्ट बना रही है उसको बनाने से लेकर कैश में कन्वर्ट करने तक में कितना समय लगता है जी, सर 10 मंथ्स, लिखो यहां पे 10 मंथ्स, ठीक है ना. और हमने कहा था यहां देखो आपको हायर लेना है, किसका जी, ऑपरेटिंग साइकिल और 12 मंथ्स. तो एक तो आपका ऑपरेटिंग साइकिल ये हो गया, और हमें दूसरा क्या लेना है जी, यहां पे 12 मंथ्स, ये फिक्स्ड बच्चे 12 महीने, 12 मंथ्स आपका. जरा बताओ इन दोनों में से हायर क्या निकल के आया, बताओ इसमें हायर क्या निकल के आया, सर हायर आ गया 12 मंथ्स, ठीक है बच्चे आपने बिल्कुल सही बोला 12 मंथ्स. ध्यान से मेरी बात सुनना, इन दोनों का जो हायर है ना 12 मंथ्स, अगर आपका जो एसेट्स है लगता है कि ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर में, यानी कि 12 मंथ से कम पीरियड में, 12 मंथ से कम में, यहां पढ़ना दोबारा पढ़ना, कहता है कि विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड विद इन हायर ऑफ दिस टू, इन दोनों का जो हायर होगा ना अगर इससे कम समय में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा तब तो वो करंट एसेट्स है. जरा बताओ कि क्या क्वेश्चन में जो कैश में कन्वर्ट होने का जो समय बता रहा है, क्या इससे कम बता रहा है कि ज्यादा बता रहा है, फिर ज्यादा बता रहा है. तो लिखिए मेरे साथ यहां पे, सिंस एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन पीरियड मोर देन इट्स ऑपरेटिंग साइकिल ब्रैकेट में कितना जी 10 मंथ्स ब्रैकेट क्लोज्ड एंड 12 मंथ्स कॉमा हेंस एसेट विल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट. सर बातें नहीं समझ में आई, अभी समझाऊंगा, लिखो तो थोड़ा सा आप यहां पे,
लिखो तो पहले मैंने क्या बोला, हमने कहा कि देखो जी फिर से सुन लो, रुको रुको लिखना बंद करो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला। हमने कहा कि देखो दो बातें आपको देखनी है, अगर वो आपका करंट एसेट्स है या फिर नहीं है, इसके लिए दो बातें देखनी है। एक तो आप चेक करना कि उसका ऑपरेटिंग साइकिल कितना है उस कंपनी का, यहां कहता है कि 10 मंथ्स, फिर देखना 12 मंथ्स जो फिक्स्ड है, तो 10 और 12 में जो हायर होगा, हायर कितना निकल गया 12 मंथ्स। मेरे बच्चे अगर इस 12 मंथ्स के अंदर में एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपको ऐसा लगता है, तब तो वो आपका करंट एसेट्स होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इनके हायर यानी कि 12 मंथ से ज्यादा समय लेगा कैश में कन्वर्ट होने में, तो उस केस में आप इसको क्या बोलेंगे, नॉन करंट एसेट्स। क्योंकि यहां पे जिस एसेट्स की बात उठ रही है वो 13 मंथ्स का समय ले रहा बच्चे, इससे ज्यादा, इसलिए हम इसको नॉन करंट एसेट्स कहेंगे। आई बात समझ में? सर थोड़ा थोड़ा आओ ना, फिर थोड़ा और समझाता हूं मैं, एग्जाम्पल और एक दिखाता हूं आपको अच्छा लगेगा। लिखिए मेरे साथ यहां पर एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता कि क्लासीफाई वेदर, WHETHER वेदर, फॉलोइंग एसेट इज करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। बोलता जरा बताओ कि जिस एसेट्स की बात आपसे की जा रही है वो करंट है कि नॉन करंट एसेट आपका है। देखो ना मैं क्या बताऊंगा, कहता है क्वेश्चन में इस पर जो ऑपरेटिंग साइकिल है, ऑपरेटिंग साइकिल हम किसका लेते हैं सर, कंपनी का। मतलब कंपनी अपने रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट करने में, यानी कि गुड्स बेच के जो पैसे उसके पास आएंगे उसमें कितना समय लेता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। मान लो मेरे बच्चे यहां पे कहता है कि 15 मंथ्स, जरा बताओ हमने यहां ऑपरेटिंग साइकिल कितना लिया था सर, 10 मंथ्स, अब कितना ले रहे हैं 15 मंथ्स, ठीक है। और कहता है कि एसेट, जिस एसेट की बात कर रहे हैं, इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड। हमें लगता है कि उस एसेट्स को, यहां देखो ये सोल्ड कितना समय था, 13 मंथ्स, चलो मैं यहां पे 13 मंथ्स ही लेता हूं, यानी कि हमने क्या किया, सिर्फ ऑपरेटिंग साइकिल जो था मेरे बच्चे 10 मंथ्स का, उसको हमने चेंज करके कितना बोल दिया आपका यहां पे 15 मंथ्स। तो बोलता बताओ कि अब जो आपका एसेट्स है वो करंट है कि नॉन करंट है। बात समझ में आ रही है सर? हाँ, देखो मैं सोल्यूशन कैसे करूंगा, ध्यान सुनना, मैं यही तरीका निकालूंगा जी। जरा बताओ क्वेश्चन के अंदर में इस बार आपका ऑपरेटिंग साइकिल कितना बता रहा है, मुझे बताओ इस बार आपका ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंपनी कितना बता रहा है। सर कंपनी का जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो सिर्फ 15 मंथ्स कह रहा है, लिखो ना यहां पे 15 मंथ्स, ये 15 मंथ्स आपका ऑपरेटिंग साइकिल है। और जरा बताओ इसके साथ साथ हम यहां पे और क्या कंपेयर करते हैं, 12 मंथ्स। ध्यान रखो यहां पे कहा था हमने कि हायर लिया जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल का और 12 मंथ्स का, इन दोनों का जो हायर होगा। तो मेरे बच्चे इस पर बताओ इन दोनों का हायर क्या निकल के आया, सर इन दोनों का जो हायर हुआ वो हमारा आ गया 15 मंथ्स का, 15 मंथ्स। मेरी बात सुनो मेरे बच्चे, इस बार अगर जिस एसेट्स के बारे में आप सोच रहे हो, चाहे वो कोई भी एसेट्स हो, मशीन हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, क्या हमें मतलब नहीं है, कोई भी एसेट्स अगर आपको लगता है कि इन 15 मंथ्स के अंदर में आप बेच दोगे, अगर लगता है कि 15 मंथ्स के अंदर वो एसेट्स बिक जाएंगे, तब तो आप उन्हें कहना कि वो करंट एसेट्स है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है, एक्सपेक्टेड लगता है कि मैं इसको 15 मंथ्स के अंदर नहीं बेचूंगा, तो मेरे बच्चे वो आपका क्या होगा, नॉन करंट एसेट्स हो जाएगा। देखो ना इस बार कहता है कि ये जो एसेट्स आपका है वो क्या दिख रहा है जी, 13 मंथ्स के अंदर में। मुझे बताओ क्या ये एसेट्स 15 मंथ से कम में बिक रहा है कि ज्यादा समय में बिक रहा है, सर कम में। तो मेरे बच्चे आपका यहां पे क्या होगा, ये जो एसेट होगा, एसेट विल बी कॉल्ड करंट एसेट, ये आपका करंट एसेट्स हो जाएगा। समझ लो मेरी बात, कुछ नई बात नहीं कर रहा। मैंने कहा कि अगर आपका करंट एसेट्स का क्लासिफिकेशन आपने करना है, तो इसका जो ऑपरेटिंग साइकिल है एंड 12 मंथ्स, इन दोनों का हायर निकालना होगा। अगर इस हायर यानी कि 15 मंथ्स के अंदर में वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपको ऐसा लगता है, तो मेरे बच्चे आप उसे करंट एसेट्स कह देना, अगर उससे ज्यादा समय लेगा तो आप कह देना नॉन करंट एसेट्स। आई बात समझ में सर? हाँ सर, लेकिन सर ये ऑपरेटिंग साइकिल बताओ ना क्या होता है,
रुको जरा, थोड़ा समय तो दो मुझे, पहले इसमें मास्टरी तो करा लें दो आपसे, मैं थोड़ा इसमें मास्टरी तो करा लूं पहले यहां तक की बातों पे, फिर मैं आपको ऑपरेटिंग साइकिल बताऊंगा। आप एक काम करो, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने हटा दिया, मैं एक एग्जाम्पल नंबर 3 और कई सारे एसेट्स की बात करूंगा, कई सारे एसेट्स की बात करूंगा। लिखिए मेरे साथ यहां पे, लिखेंगे आप यहां पे, लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता कि क्लासीफाई फॉलोइंग एसेट्स इनटू करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। मेरे बच्चे मुझे बताना है कि जिन एसेट्स की हम बात कर रहे हैं वो आपका करंट एसेट्स है कि नॉन करंट एसेट्स है। देखो ये बात कैसे उठेगी। मैं ना ये क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपका है, हमने लिखा यहां पे एसेट और फिर यहां लिखता हूं एसेट के बाद, यहां लिखेंगे मेरे साथ यहां पे, कहता है कि जो ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंपनी, वो मैं आपको यहां बता रहा हूं ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, और आपका कहता है कि टाइम पीरियड, या फिर आपका ऐसे लिखेंगे पीरियड एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन कैश, वो कितने समय में हमें लगता है कि कैश में रियलाइज होगा, वो मैं यहां पे बता रहा हूं। पहले एसेट्स का नाम लिखो, ए बी सी डी ई एंड एफ, 6 एसेट्स की बात कर रहे हैं। मेरे बच्चे ऑपरेटिंग साइकिल यहां पे कहता है, मान लो आपका 11 मंथ्स का, इसका ऑपरेटिंग साइकिल कहता है मान लो 17 मंथ्स का। क्वेश्चन में दिया रहेगा, चिंता नहीं करना, और कैसे निकाला जाएगा मैं आगे सिखाऊंगा। सी का कहता है कि मान लो 23 मंथ्स आपका ऑपरेटिंग साइकिल है। डी लिखेंगे यहां पे आपका कहता है ऑपरेटिंग साइकिल यहां पे जो है वो कहता है कि आपका 15 मंथ्स यहां बोल रहा है 15 मंथ्स। ई का ऑपरेटिंग साइकिल मेरे बच्चे 12 मंथ्स कह रहा है। और मान लो एफ का एन ए का मतलब हो गया नॉट अवेलेबल, हमें क्वेश्चन नहीं बता रहा, मतलब हमें नहीं पता चल पा रहा है कि कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल कितना है। फिर आप यहां लिखेंगे जिस एसेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज इन कैश, मान लो यहां कहता है कि हमें लगता है कि 10 मंथ्स में वो रियलाइज हो जाएगा, 10 मंथ्स में। यहां कहता है मेरे बच्चे, वो कहता है कि आपका मान लो 18 मंथ्स में आपका रियलाइज हो जाएगा, 18 मंथ्स के अंदर में। इनके बारे में कहता है सपोज दैट आपका 21 मंथ्स में वो कैश में रियलाइज हो जाएगा, जिस एसेट्स की बात करने से। डी जो आपका है, डी ये मान लो आपका कहता है यहाँ पे कितना ले लो बताओ, चलो बताओ कितना ले लो, चलो 14 मंथ्स में मान लो कहता है कि कैश में रियलाइज हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है। ई जो है वो कहता है कि आपका यहाँ पे मान लो कितना ले लूँ मैं, 9 मंथ्स में कैश में रियलाइज आपका हो जाएगा, 9 मंथ्स में। और एफ जो आपका वो कहता है कि 13 मंथ्स में कैश में रिलाइज हो जाएगा। आपको ये बताना है कि ये जो ए बी सी डी ई एफ 6 जो आपके एसेट्स हैं वो करंट है कि नॉन करंट है, आप प्लीज कॉपी कर लो। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है, तो हम यहाँ पे सावधानी बरतेंगे, हमें जानना है कि कंपनी के केस में, मेरे बच्चे कंपनी की बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा, उनमें करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। अगर मैं कंपनी को छोड़ दूँ तो बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी में अगर पार्टनरशिप हुआ जी, चाहे सोल प्रोपरेटरशिप हुआ, तो वो तो वही डेफिनेशन है कि करंट एसेट्स का मतलब जो 1 साल के अंदर में कैश में कन्वर्टेबल आपका है। लेकिन यहां कुछ अलग बातें हैं, आपने जिसकी कॉपी कर ले सर हो गया। आओ ना अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं, यहां पे सॉल्यूशन कैसे हम लिखेंगे, यहां पे लिखिए मेरे साथ यहां पे, अरे एसेट्स का नाम क्या बता रहा है आपको, यहां पे फर्स्टली लिखेंगे आप यहां पे एसेट्स के नाम, फिर आपको यहां पे अपना ऑपरेटिंग साइकिल लिखना है जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, यह हमें निकालना होगा, कैसे निकालेंगे बाद में। इसके बाद एक कॉलम बनाओ आप यहां पे 12 मंथ्स का, जिससे हम हमेशा कंपेयर करते हैं। फिर मेरे बच्चे इन दोनों का जो हायर होगा, मान लो मैं इसे कॉलम ए कह दूं, अगर इसे कॉलम ए कह दूं और इससे कॉलम बी, तो हायर लेंगे हम ए एंड बी का जो हायर होगा वो लिखा जाएगा। फिर हम चेक करेंगे आपका जो एसेट्स है वो कन्वर्टेबल
इनटू कैश कितने समय में बता रहा हूं आपका, कन्वर्टेबल इनटू कैश कितने समय में, और मेरे बच्चे उसी के मुताबिक मैं यहां पे क्या करूंगा, रिमार्क दूंगा। रिमार्क यानी कि हमारे मुताबिक वो करंट एसेट्स है कि आपका नॉन करंट एसेट्स है। शुरू करते हैं, कौन कौन से एसेट्स बता रहा है, ए बी सी डी ई एंड एफ। बताओ ए का ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, सर 11 मंथ्स, लिखो यहां पे 11 मंथ्स। अच्छा बताओ बी का कितना है, 17 मंथ्स, ये हमारा 17 मंथ्स हो गया। मुझे बताइए सी का कितना बता रहा है, 23 मंथ्स। साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ आपको आंसर साथ साथ करना है, ना आगे ना पीछे। यहां मेरे बच्चे कहता है कि 15 मंथ्स आपका है, 15 मंथ्स, यहां कहता है कि 12 मंथ्स है, और लास्ट वाले में कहता है एन ए यानी कि नॉट अवेलेबल। मतलब हम कंपनी का जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसको नहीं पता कर पा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे हम देखेंगे यहां पे। और हां ये तो फिक्स्ड है, ये तो सभी में क्या निकल के आने वाला जी, 12 मंथ्स लिखो ना सबके नीचे में आप, यहां पे यहां भी 12 मंथ्स, यहां भी 12 मंथ्स, यहां भी लिखे आप 12 मंथ्स, ये तो फिक्स्ड है क्योंकि जब कंपेयर किया जाता है तो हम 12 मंथ्स एंड ऑपरेटिंग साइकिल को कंपेयर करते हैं, तो 12 मंथ्स आपका यहां पे, और यहां भी क्या लिखा आपने 12 मंथ्स। सुना मेरी बात यहां पे सर, हां जी। अब जरा देखो हमें क्या करना है कि इन दोनों का पहले जानना हायर, पहले हायर जानना है। जरा बताओ 11 एंड 12 का हायर कितना होगा, सर 12 मंथ। सर ये तो नर्सरी क्लास का बच्चा भी बता सकता है, हमसे क्यों पूछ रहे हो, लिखो तो पहले, आपसे ही पूछूंगा, आपसे ही। अच्छा बताओ 17 एंड 12 का हायर कितना होगा, सर 17 मंथ्स, लिखो यहां पे 17 मंथ्स। अच्छा बताओ 23 12 का हायर कितना होगा, 23 मंथ्स। ये जरा बताओ 15 12 का हायर कितना होगा, सर 15 मंथ्स, फटाफट लिखेंगे आप। 12 12 का हायर क्या होगा, सर दोनों इक्वल ही तो है, तो इन दोनों का हायर भी क्या होगा, 12 मंथ्स। मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनना, आप ध्यान से मेरी बात सुनना, आप ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको ऑपरेटिंग साइकिल नहीं बताता, अगर वो कहता कि ऑपरेटिंग साइकिल मैं नहीं बता पा रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे बच्चा हमारा कंपनी जो है कहता है कि फिर आप ऑपरेटिंग साइकिल एज्यूम कर लेना, एज्यूम्ड आपका 12 मंथ्स का, आप इसको 12 मंथ्स का एज्यूम कर लेना। लास्ट में कितना लिखा था, सॉरी ये 13 मंथ्स था, कहां चला गया वो आपका लास्ट एने वाले का ऑपरेटिंग साइकिल कितना था जी, सॉरी ठीक है ठीक है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर में आपको ऑपरेटिंग साइकिल नहीं पता, अगर ऑपरेटिंग साइकिल नहीं पता तो मेरे बच्चे 12 मंथ्स का आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल यहां पे एज्यूम कर लेंगे। ये पूरे आपका जो आपका एमसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, उन्होंने भी बात कहा है कि अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल आपको नहीं पता तो 12 मंथ्स का आप एज्यूम कर लेंगे। बात समझ में आ गई सर, हाँ। तो मुझे बताओ अब अगर नहीं पता तो 12 का हायर क्या हो गया, यहां पे आ गया 12 मंथ्स आपका, 12 मंथ्स लिखो आप यहां पे। पर बच्चे अब हमें जब ये जज करना है ना कि हमारा एसेट्स करंट है कि नॉन करंट है, अगर हमें ये जज करना है कि हमारा एसेट्स करंट है कि नॉन करंट है, तो हमें चेक करना होगा कि जो कैश में कन्वर्ट करने का जो पीरियड है अगर वो इसके अंदर है तब तो मैं कह दूंगा करंट एसेट्स है, और अगर ये इससे ज्यादा लेगा तो क्या बोल दूंगा, नॉन करंट एसेट्स। जैसे कि यहां देखो, बताओ पहले वाले का आपका पीरियड कितना बता रहा है, 10 मंथ्स, लिखो यहां पे 10 मंथ्स। अब मुझे ये बताओ कि ये जो आपका 10 मंथ्स है, ये 12 मंथ्स, अब सिर्फ ये नहीं देखना, अब सिर्फ आपको यहां देखना है, आप बताओ ये जो 10 मंथ्स है ये 12 से कम है कि ज्यादा है, सर कम है। पर बच्चे अगर ये कम है तो हम इससे बोलेंगे CA यानी कि करंट एसेट्स। सुनो मेरी बात सर, हाँ सर हाँ, आगे बढ़ो। देखो ना बी जो है वो कितना बता रहा है यहां पे, 18 मंथ्स। मुझे बताओ अब आपको यहां नहीं देखना, सिर्फ ये देखो कि क्या जो कैश में कन्वर्टेबल आपको दिख रहा है वो 17 मंथ से कम दिख रहा है कि ज्यादा दिख रहा है, सर ज्यादा दिख रहा है। तो मेरे बच्चे ये हो गया नॉन करंट एसेट्स, एनसीए नॉन करंट एसेट्स। सुन लो मेरी बात सर, हाँ सर हाँ। जरा बताओ सी में कितना समय बता रहा है, 21। ये देखिए हमने लिखा 21,
अब आपको सिर्फ ये देख के बताना कि क्या ये 21 ये 23 से कम है कि ज्यादा है. सर कम है तो करंट एसेट्स हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो नॉन और कम तो करंट. अच्छा देखो यहां 15 है और यहां क्या था 14 मंथ्स. बताइए 14 मंथ्स जो आपका है वो 15 से कम है कि ज्यादा है. सर कम है, इसको हम कहेंगे करंट एसेट्स. अगला बताओ, ये कहता है कि 9 मंथ्स. मुझे सिर्फ इतना बताइए कि 9 मंथ्स जो आपका है वो 12 से कम है कि ज्यादा है. सर कम है तो करंट एसेट्स. अच्छा अगला बताओ, कहता है कि 13 मंथ्स. मुझे सिर्फ इतना बताओ कि 13 मंथ्स 12 से कम है कि ज्यादा है. सर ज्यादा है तो हम कहेंगे नॉन करंट एसेट्स. लो मैंने आपको समझा दिया कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो करंट एसेट्स का नॉन करंट एसेट्स का कैसे होता है. पर बच्चे मैं आपको तैयार कर रहा हूं किसी भी क्वेश्चन के लिए. एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो दुनिया में ये ना हो कि देखो जी संतोष सर ने पढ़ाया और बच्चे को समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं चाहता. तो आपको मैं एनफ प्रैक्टिस कराऊंगा एक एक टॉपिक पे. आपको पेशेंस वाइज मेरी बात सुननी पड़ेगी, मन करे तो भी सुनना पड़ेगा, ना मन करे तो भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी बातें आपके लिए है, आपके लिए है. जब कल को हम बड़े बच्चे बन जाएंगे, किसी कंपनी में काम करने जाएंगे, तो वहां पे एक बड़ा आदमी मुझसे पूछ दिया कि जरा बताओ करंट एसेट्स क्या होता है, तो उसे समझाएंगे ना. हम तो सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ पता है यहां पे, तो वही समझाने का तरीका आपको बता रहा हूं. आई बात समझ में? हाँ सर ये बात तो है कि सर, लेकिन सर दिमाग पता है कहाँ चल रहा है? पूछो ना, पूछो कहाँ चल रहा है, बताओ तो मैं हूं ना उसके लिए. सर ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, समझा दो ना सर एक बार. चलो फिर हम आते हैं आगे, आपको समझाएं ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है. मैं ये तीनों एग्जांपल हटाता हूं, थर्ड एग्जांपल जो है मैं वो भी हटाता हूं, और मैं आपको मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल समझाता हूं. मैं इस तीनों को हटाता हूं और आपको समझाता हूं कि आखिर ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है. स्टार्ट करता हूं, आओ जरा ये लो मैं इसको मिटा दूं. ये लीजिए मैंने इसको मिटा दिया, ये मेरा यहां पे मिट गया. ये लीजिए हमने मिटा दिया. आओ जरा देखते हैं यहां पे आपका मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है. लिखेंगे आप नोट नंबर वन, नोट नंबर वन, मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. देखो यहां मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हमारा ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब होता है. जरा आप समझना मेरी बात ध्यान से, और मेरे साथ ना आप लिखेंगे भी, आप मेरे साथ 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 लिखेंगे, मैं डायग्राम से बताऊंगा. देखो हुआ क्या कि मान लो 1 जनवरी 2017 को हमने क्या किया, इस दिन पे दिस इज डेट ऑफ, या फिर इसको ऐसे लिखे, आज हमने क्या किया, परचेज किया रॉ मटेरियल, दिस इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. आज हमने क्या किया मेरे बच्चे, रॉ मटेरियल हमने यहां पे परचेज किया है. ये आपका 1 जनवरी 2017 को कहता है कि इसके बाद जरा देखो, जब हमने रॉ मटेरियल परचेज किया तो ऐसा कभी नहीं होता कि हमने आज परचेज किया और आज प्रोडक्शन में लग गया. जरा सोचो, अगर मान लो मैं एसी बना रहा हूं तो एसी बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो आज परचेज करूंगा, लेकिन ऐसा थोड़ा कि आज परचेज किया और बनना शुरू हो गया बच्चे, वो कुछ समय हमारे गोडाउन में रहता होगा स्टॉक के रूप में. तो कहता है कि ये जो हमने आज परचेज किया उसके बाद ये पीरियड है, मान लो 1 जनवरी से लेकर आपका 1 मई 2017 तक, मान लो एज्यूम कर रहे हैं आपका ये आपका होगा जी, आपका स्टॉक रहेगा आपके पास, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल जो आपने परचेज किया है वो परचेज करने के बाद जरा बताओ कितने महीने हो गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मान लो 4 मंथ्स वो हमारे पास क्या होता है जी, गोडाउन में रहता है स्टॉक के रूप में. देखो फिर क्या होता है कि अब हम लोग प्रोसेस में निकालते हैं प्रोडक्शन के, ये हमारा हो गया प्रोडक्शन प्रोसेस. अब इसके बाद क्या हुआ कि सपोज दैट ऑन एन एवरेज 4 महीने रखने के बाद हम प्रोडक्शन प्रोसेस में इस रॉ मटेरियल को भेज देते हैं, जिसको हम कहते हैं आपका WIP, वर्क इन प्रोग्रेस. आप जानते हो ना ये नाम सर? हाँ सर हाँ. मान लो 1 मई से सपोज 5 महीना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अगर आपने क्या किया 30 सितंबर 2017 तक अगर इसको आपका प्रोडक्शन करने में लगता है. कई चीजें होती है बच्चे, अरे कई ऐसी बड़ी बड़ी चीजें, कारें हैं,
अब यानी कि कार आज आया और बनना शुरू हो गया, बन के तैयार हो गया, उस कार को बनने में कितना समय लगता है आप जानते हैं इस बात को, तो मान लो प्रोडक्शन प्रोसेस आपका कितना हो गया जी, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 मंथ्स का, 5 महीने ये गुड्स जो होता है आपके प्रोडक्शन में रहता है। मुझे बताओ प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या गुड्स बिक जाता है? नहीं सर, नहीं, जब उसका डिमांड होगा तब तो बिकेगा। तो मान लीजिए यहाँ पे इसके बाद क्या होता है, हमारा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो हमारा फिनिश गुड्स बन के तैयार हुआ उस फिनिश गुड्स को हमें गोडाउन में रखना पड़ता है जी स्टॉक के रूप में, और सपोज दैट ये हमारा 2 महीने का पीरियड है, तो अक्टूबर नवंबर यानी कि 30 नवंबर तक 2017 में यानी कि 2 मंथ्स क्या हुआ जी, ये आपके गोडाउन में पड़ा रहा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स रूप में। अब देखो फिर क्या होगा, हम इसको सेल कर देंगे, फिर क्या करेंगे जब सेल कर देंगे, मुझे बताओ कि क्या सेल करते हैं और सेल करते ही पैसा आ जाता है? सर हाँ सर, अगर कैश पे हमने गुड्स बेचा होगा तो सेल किया और सेल करते ही पैसा आ गया, ठीक बोला आपने। लेकिन जब बताओ अगर मान लो सेल्स हमने क्रेडिट पे किया मेरे बच्चे, मान लो हमने क्या किया यहाँ पे यानी कि 1 दिसंबर 2017 को अगर हमने इनको सोल्ड किया, सोल्ड ऑन क्रेडिट, अगर मान लो कैश पे बेचा होगा तब तो पैसे यहीं पे आ गए होंगे, लेकिन मान लो क्रेडिट पे अगर सेल करूंगा तो बताओ क्या आज पैसा आएगा? नहीं सर, हमें पीरियड अलाउ करना पड़ता है, पीरियड अलाउड टू डेटर्स, जो डेटर्स होते हैं ना जिनको हमने सेल किया है क्रेडिट पे, अगर मान लो हम उनको 6 मंथ्स का समय देते हैं यानी कि पैसा पे करने का, मान लो मैं बोल रहा हूं मान लो, ये कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन बताएगा कि अगर हमने सेल किया कैश पे तब तो पैसा हमें यहीं मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे अगर सेल किया ऑन क्रेडिट तो डेटर्स जिनको हमने सेल किया है वो हमसे 6 महीने का समय लेते हैं पैसा पे करने के लिए। तो जरा बताओ 30 नवंबर के बाद 6 मंथ्स का काउंट करना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि ये आपका यहाँ पे 31 मई 2018 में कितने का होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक तो बोला, यहाँ पे जाके मेरे बच्चे पैसा कलेक्ट होगा, यहाँ पे जाके पैसा कलेक्ट होगा, यानी कि इस दिन पे क्या हुआ कि कैश आपने कलेक्ट किया होगा, कैश कलेक्ट किया होगा, है ना। ध्यान दीजिए ऑपरेटिंग साइकिल का जब मतलब आपसे कोई पूछे ना ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब, तो आप कहना कि जिस दिन आपने रॉ मटेरियल परचेज किया उस समय से लेकर जब हमारा ये कैश कलेक्ट हो गया ये जितना समय हमसे लेगा मेरे बच्चे, इसी को हम क्या करते हैं आपका ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मान लो कोई पूछे ना, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, लिखिए मेरे साथ थोड़ा सा जगह छोड़ के, कि अगर कोई बोले कि जरा बताओ ऑपरेटिंग साइकिल जो यहाँ पे है इस ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब है, तो आप कहना कि आपका स्टॉक जो रहेगा, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जितने समय आपको रॉ मटेरियल का स्टॉक अपने पास मेंटेन करना है, ये कितना हो गया जी सर, 4 मंथ्स। एक तो हम ये ले लेंगे आपका, फिर हम लेंगे जी प्लस आपका पीरियड ऑफ WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस का जो समय है वो हम यहाँ पे लेंगे 5 मंथ्स का आपका यहाँ पे। फिर कहता है कि आपका स्टॉक जो हमने रखा, पीरियड ऑफ स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, यानी कि हमारा गोडाउन में जो गुड्स ये पड़ा रहा वो कहता है कि समय आपका यहाँ पे कितने का है जी, 2 मंथ्स का, हम ये भी इसमें ऐड करेंगे, ये भी ऐड करेंगे, और मेरे बच्चे प्लस आप इसमें ऐड कर देना कि पीरियड अलाउड टू डेटर्स, जिनको हमने सेल किया था ऑन क्रेडिट वो हमें कितने समय अलाउ कर रहे हैं, 6 मंथ्स का, हम इन सबको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। बताओ कितना निकल के आ गया सर, ये हो गया आपका 15 मंथ्स का, है ना, ना कितना हो गया 17 मंथ्स। तो मेरे बच्चे ये हमारा 17 मंथ्स का यहाँ पे क्रेडिट पीरियड हो गया, ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, देखो आप में से कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने FM भी पढ़ा है या FM भी पढ़ेंगे, FM यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप में से कई सारे बच्चे जो आपके सिलेबस में या तो है या फिर अभी आगे आएगा। मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनना, FM के अंदर में जो ऑपरेटिंग साइकिल है और हमारे अकाउंट्स में जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसमें छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है मैं आपको बताऊं, जब आप FM यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपके सर बताएंगे जरा सुनना, कि अगर हमने फर्स्ट डे को हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, मान लो 1 जनवरी को,
ये भी तो हो सकता है कि अगर हमने इनसे रॉ मटेरियल परचेज किया है ऑन क्रेडिट, ये भी तो हो सकता है। जैसे हमने सेल किया क्रेडिट पे, तो फिर बच्चे रॉ मटेरियल जो हमने परचेज किया वो भी तो क्रेडिट पे आपका हो सकता है। और मान लो यहां पे जब हमने ऑन क्रेडिट परचेज किया तो ये कौन बन गए हमारे सर, क्रेडिटर्स बन गए सर। इन क्रेडिटर्स ने अगर हमें वन मंथ का पीरियड दिया है, ध्यान रखना ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है मेरे बच्चे कि कैश जब आपके पॉकेट से गया इस ऑपरेशन में और जो कैश आपके पास आया इस ऑपरेशन में, इसमें टाइम पीरियड कितना है। अभी हमने कहा था कि मान लो कैश यहां पे गया और कैश आपका यहां पे आया, तो इसके बीच का टाइम पीरियड क्या कहा जाएगा, ऑपरेटिंग साइकिल। अब हमने कहा कि मान लो यहां पे जो रॉ मटेरियल है वो क्रेडिट पे परचेज किया गया, क्रेडिट पे, और इस क्रेडिटर्स ने हमें एक महीने का समय दिया है, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि क्या पेमेंट यहां पे हुआ होगा, क्या पेमेंट अगर क्रेडिटर हमें वन मंथ का समय देंगे तो क्या पेमेंट आप यहां पे करेंगे? नहीं सर, नहीं, फिर यहां पे पेमेंट नहीं होगा, एक महीने के बाद होगा। तो बताओ पेमेंट कब हुआ होगा? सर यहां 1 फरवरी को पेमेंट आपका हुआ होगा, एक महीने के बाद। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, पहले तो हमने 4 मंथ पूरा पीरियड लिया था ये मानते हुए कि पेमेंट हमने यहां पे किया है, लेकिन मेरे बच्चे पेमेंट आपका यहां पे हुआ है एक महीने के बाद। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि ये 17 मंथ्स में क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय क्रेडिटर्स ने जो हमें पीरियड अलाउ किया है जी आपका यहां पे, वो कितने का बता रहा है, 1 मंथ का। तो हम यहां पे माइनस करेंगे मेरे बच्चे, और फिर जो आएगा यानी कि 16 मंथ्स, ये हमारा कहा जाएगा आपका ऑपरेटिंग साइकिल। मैं एक डिस्प्यूट जो आपके दिमाग में आ रहा है या आएगा, मैं उसको खत्म कर रहा हूं। मेरे बात को ध्यान समझना, मजबूरी है, मैं FM नहीं पढ़ा रहा, लेकिन FM की बातें थोड़ी सी यहां पे यूज होगी। मेरे बच्चे अगर कोई पूछे ना कि फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, इस चैप्टर में जरा बताओ कि आपका ऑपरेटिंग साइकिल का क्या मतलब होता है, तो ध्यान दीजिए ये ऑपरेटिंग साइकिल होगा, ये आपका टेकन होता है इन अकाउंट्स। अकाउंट्स में ऑपरेटिंग साइकिल का सिर्फ ये मतलब होता है, लेकिन अगर कोई FM में आपसे पूछेगा ना तो ये आपका ऑपरेटिंग साइकिल लिया जाता है इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि FM आपका एक सब्जेक्ट या तो पढ़ रहे होंगे या फिर आप आगे पढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बच्चे वहां पे इसके बारे में बात की गई है। समझो मेरी बात, ये डिस्प्यूट्स क्यों है, क्या है, कैसे है, उसके पीछे हम नहीं जाना चाहते मेरे बच्चे, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखना, जब भी कोई कहेगा कि बताओ ऑपरेटिंग साइकिल हमारे अकाउंट्स में क्या होगा, तो हमें 17 मंथ्स लेना है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्रेडिटर्स ने जो पीरियड आपको अलाउ किया होगा वो यहां पे कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन दे तो भी ना दे तो भी, आपको 17 मंथ्स, ये आपको मानना है। बात समझ वाली सर? हाँ सर, हाँ समझ गए। आप कहना चाहते हो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि पहली बार जो हमारे पॉकेट से कैश गया यानी कि रॉ मटेरियल को परचेज करने के टाइम पे, फिर वो फिनिश गुड्स जो बन के तैयार हो गया और हमने बेचा, फिर जिस समय हमारे पास वो कैश दोबारा आया होगा, ये जो टाइम पीरियड होता है हम इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। हाँ बच्चे, और याद रखना FM में जो क्रेडिट पीरियड क्रेडिटर समय अलाउ करेंगे वो माइनस करते हैं, अकाउंट्स में वो माइनस नहीं करते। क्यों नहीं करते, हम उस झगड़े में नहीं जाना। हमें MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो कंपनी के डीलिंग करता है, उन्होंने ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में यही सिखाया बच्चे, यही सिखाया, हमें यही काम करना होगा, ठीक है ना। अगर कुछ आगे चेंज होता है तो मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल कोई चेंज नहीं है। हो गई बात, यहाँ पे ये हमारा ऑपरेटिंग साइकिल होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में इसे मिटा दूं, मैं लिख लिया आप लोगों ने, सर हाँ सर हम समझ गए आप ऑपरेटिंग साइकिल क्या बोलना चाहते हो, और मजे की बात है कि जब FM हम पढ़ेंगे तो उस समय भी हमें पहले से पता रहेगा कि ऑपरेटिंग साइकिल वहां पे क्या है, और हमारे दिमाग में कोई डिस्प्यूट्स नहीं आएगा सर, नहीं आएगा, इस बात को हम प्रोमिस करते हैं। यानी कि जो लाल लाल अक्षरों में हमने लिखा है ये आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा हमारे अकाउंट्स के अंदर में, ये कंसिडर कहाँ किया जाएगा जी, सिर्फ और सिर्फ हमारे FM के अंदर में, ठीक है ना। आइए जरा, तो ये बात हमने आपको बताया ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में क्या निकल के आता है। नाउ अब हमें यहाँ पे एक बात और समझना, आपसे यहाँ पे एक बात और समझना है। लिखिए जरा नंबर 3, हमने करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स के बारे में देख लिया, अब लिखो मीनिंग ऑफ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का क्या मतलब होता है, लिखेंगे आपका दोज लायबिलिटीज
those liabilities, likhe yahan pe, which are expected to be settled within higher of operating cycle of the company and 12 months. बच्चे जो उनका ऑपरेटिंग साइकिल होगा या फिर 12 मंथ्स इन दोनों में से जो भी हायर होगा अगर उसके अंदर में पेमेंट करने की बात करता है उनके अंदर में पेमेंट करने की बात करता है तो हम इसको क्या बोलेंगे करंट लायबिलिटी आपका है ना. एक तो पहली बात यहां पे मतलब करंट एसेट्स में जो कहा गया था विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड यहां पे क्या है विच आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड क्योंकि हमें पे करना पड़ता है. एक तो करंट लायबिलिटी का मतलब ये निकल के आ गया. फिर लिखो यहां पे कि those liabilities which are created during the process of trade. बच्चे जो लाइबिलिटी हमारे ट्रेड के प्रोसेस में ट्रेड क्या है गुड्स बनाना बेचना है ना बच्चे. तो देखो गुड्स जो हमने बनाया उस वो हमारा मेन ट्रेड है तो इसका मतलब हम किसके बारे में कहना चाहते हैं क्रिएटर्स के बारे में. जो हमारे क्रिएटर्स हैं जो हमारे बिल्स पेबल हैं ये तो आपका करंट लायबिलिटी होगा ही होगा क्योंकि ये हमारे ट्रेड क्या था गुड्स को बनाना बेचना. तो जो हमने गुड्स बनाया ना उस प्रोसेस में जो क्रिएट होगा उसको हम क्या करेंगे एक तो वो नाम हो जाएगा. इनके सिवाय कोई भी लायबिलिटी चाहे वो बैंक लोन हो सिक्योर्ड लोन हो लॉन्ग टर्म लोन हो कुछ भी लेकिन अगर उसका सेटलमेंट हमें करना है या तो जो उसका ऑपरेटिंग साइकिल है या 12 मंथ्स व्हिच एवर इज हायर तो मेरे बच्चे उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे करंट लायबिलिटी का नाम देंगे आपका. आई बात समझ में. मैं इसका डिटेल डिस्कशन अभी और आगे करूंगा आप चिंता ना करें. लिखिए फोर्थ यहाँ पे मीनिंग ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज आपका. सर ये क्या होते हैं तो लिखना इसका डेफिनेशन आपका है liabilities other than current liabilities other than current liabilities are called non-current liabilities. सुन लो मेरी बात बिल्कुल वही डेफिनेशन जैसे हमने आपको नॉन करंट एसेट्स के बारे में बोला था उसी तरीके से क्या होगा नॉन करंट लायबिलिटी का भी डेफिनेशन आपका निकल के आएगा. तो मेरे बच्चे दो बातें मैंने आपको बताई है कि एक तो जो भी आपका ट्रेड में यानी कि ऑपरेशन में क्रिएट होता है मतलब इन्होंने क्रिएटर्स को बिल्स पेबल को पहले बोल दिया. इनके सिवाय कोई भी लायबिलिटी जिनका नाम आप जानते हैं अगर उनका सेटलमेंट ऑपरेटिंग साइकिल या फिर 12 मंथ्स के विद इन होना है तब तो हम क्या बोलेंगे जी आपका करंट अदरवाइज क्या बोलेंगे नॉन करंट. और बिल्कुल वैसे ही इनके बारे में डेफिनेशन होगा जैसे कि हमने आपका पहले किया था. लिखो यहां पे एक एग्जांपल आपका एग्जांपल नंबर फोर्थ रेडी करेंगे आप फटाफट. यहां पे कहता है कि क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल मान लो क्वेश्चन में कहता है कि जो ऑपरेटिंग साइकिल है ये आपका 17 मंथ्स का है. फिर कहता है कि लायबिलिटी एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड. हमें लगता है कि लायबिलिटी जो पे करना है वो आपका 16 मंथ्स के अंदर में हमें पे करना है. जिस लायबिलिटी की बात कर रहा हूं अगर 16 मंथ्स के अंदर पे करना है तो जरा बोलता है कि बताओ ना कि ये लायबिलिटी आपका करंट है कि नॉन करंट है. देखो मैं क्या करूंगा मुझे सॉल्यूशन में पहले क्या करना है एक तो आपका लिखना है ऑपरेटिंग साइकिल. बताओ जरा क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल कितना बता रहा है 17 मंथ्स. अच्छा बताओ 17 मंथ्स और हमें क्या लेना है 12 मंथ्स. लिखिए यहां पर और आपका 12 मंथ्स. कोई बताएगा आप में से मुझे कि इन दोनों में से हायर क्या निकल के आ रहा है. सर इन दोनों में से जो हायर है वो 17 मंथ्स है. सर 17 मंथ्स आपका है ठीक है 17 मंथ्स. अब मुझे बताओ कि लायबिलिटी जो सेटल्ड यानी कि पे करना है 17 मंथ से कम में पे करना है कि ज्यादा में पे करना है.
सर 17 से कम पीरियड आपका है। पर बच्चे अगर 17 से कम होगा तो इस लायबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, आपका करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी कॉल्ड की जाएगी, करंट लायबिलिटी आपका, ये आंसर निकल के आ गया। समझ लो मेरी बात, अगर 17 मंथ से ज्यादा समय में पे करना है तो हम उसे नॉन करंट लायबिलिटी कहेंगे, अगर 17 मंथ से कम होगा तो हम उसे करंट लायबिलिटी कहेंगे। ये हमने प्रॉपर तरीके से आपको बताया मेरे बच्चे, डेफिनेशन हमारा क्या होगा करंट एसेट्स का, नॉन करंट का, एंड करंट लायबिलिटी का, नॉन करंट लायबिलिटी का। याद रखना कंपनी के केस में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी, तो इस तरीके से आपको यहां पर डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया। हाँ अगर एग्जाम में आ जाए थोड़ा इनडेप्थ कॉन्सेप्ट की, भैया बताओ ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है फॉर द पर्पस ऑफ डेफिनेशन, तो आप उनको बता देना जो बातें मैंने समझाई, बिल्कुल वही डायग्राम दिखाते हुए आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आई बात समझ में? हाँ जी सर, ये बात तो समझ में आ गई। देखो हमारा पहला टॉपिक खत्म हो गया, हमने फर्स्ट टॉपिक लिखा था कि करंट एसेट्स लायबिलिटी का डेफिनेशन आपका। आज ना अब हमें क्या करना है, हमारे सेकंड टॉपिक पे आना मेरे बच्चे, सेकंड टॉपिक पे लिखिए यहां पे, सेकंड टॉपिक नया पेज लेंगे आप, नया पेज पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आप नया पेज लेंगे यहां पे पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और पता है अब इसमें दो केसेज हम रेडी करेंगे। केस नंबर वन कहता है कि आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, जो आपका करंट ईयर प्रॉफिट है उसमें से डिविडेंड जो पे करना है, हम वो पेमेंट करने की बात कैसे करेंगे वो देखा जाएगा जी। और केस नंबर टू आपका लिखेंगे यहां पे आउट ऑफ पास्ट ईयर जनरल रिजर्व, मतलब पिछले सालों में जो हमने रिजर्व बना के रखा होगा जी, अगर उसमें से डिविडेंड पे करने की बात उठे, सर उसमें से क्यों पे करेंगे, तो लिखेंगे यहां पे आपका, यहां पे इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट ओब्लिक लॉस ड्यूरिंग करंट ईयर। मेरे बच्चे ध्यान सुनना, कहते हैं कि अगर डिविडेंड हमें पे करना है डिविडेंड, तो डिविडेंड पे करने के हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम पे करेंगे करंट ईयर के प्रॉफिट में से, जो इस साल कमाएंगे उसमें से। अगर मान लो इस साल हमने प्रॉफिट नहीं कमाया तो कोई बात नहीं, हमारे कंपनी के अंदर मेरे बच्चे ये अलाउड है कि पहले से जो हमने रिजर्व, कौन सा नाम लिखा, जनरल रिजर्व, अगर हमने इस रिजर्व को बना के रखा हुआ है तो हम इसमें से भी डिविडेंड पे कर सकते हैं। वो कैसे पे कर सकते हैं हम उसके बारे में यहां सीखेंगे। पहले हम केस नंबर वन को स्टार्ट करते हैं, लिखिए मेरे साथ यहां पे, लिखेंगे पहले आप यहां पे हेडिंग डालेंगे केस नंबर वन, पहले हम फर्स्ट की बात करें आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। बच्चे करंट ईयर प्रॉफिट कहने का मतलब है, लिखो यहां पे आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, ये कहने का मतलब है कि आपके पास एडिक्वेट प्रॉफिट इस पर हुआ है। एडिक्वेट मतलब क्या, खूब सारा प्रॉफिट आपने कमाया है और उस केस में आप डिविडेंड पे करना चाहते हो, तो इसमें क्या रूल काम करता है, लिखिए मेरे साथ इसके अंदर में, पहले समझने के लिए एग्जाम्पल नंबर वन। हम ये सारी बातें एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर मैं इसका नोट भी लिखाऊंगा, आप चिंता नहीं करना। पहले लिखो यहां पर आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट एग्जाम्पल नंबर वन। मान लो कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल, मेरे बच्चे ये अमाउंट जो आपका है वो कहता है सपोज दैट 20 लाख का अमाउंट है, 20 लाख का अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर कहता है कि जो आपने करंट ईयर का प्रॉफिट कमाया है, करंट ईयर यानी कि इस साल जो आपने प्रॉफिट कमाया है, वो कहता है कि प्रॉफिट आपका मान लो यहां पर 8 लाख का अमाउंट है। करंट ईयर का जो प्रॉफिट कितना है जी, मान लो 8 लाख का अमाउंट है, तो मेरे बच्चे इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 20 लाख का है और करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो कहता है कि आपका 8 लाख रुपीज का, 8 लाख का बोलता है। वो कहता है कि जरा बताओ कि अगर कंपनी डिविडेंड पे करना चाहती है, प्रपोज्ड डिविडेंड, और वो रेट कहता है मान लो आपका 15% से है, तो बोलता है कि कैलकुलेट, साथ साथ लिखेंगे, मैं सारी न्यूमेरिकल थ्योरी की बातें न्यूमेरिकली समझा रहा हूं, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड, बोलता बताओ कि आपका जो प्रपोज्ड डिविडेंड होगा उसका अमाउंट कितना निकल के आएगा। देखो ना मैं सोल्यूशन में कैसे बात करूंगा, पर बच्चे प्रपोज्ड डिविडेंड का जरा बताओ रेट कितना बता रहा है, सर रेट कहता है कि 15%। सुनो मेरी बात ध्यान से, पर बच्चे डिविडेंड का जो रेट होता है ना,
ये रेट हम हमेशा क्या करते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल यानी कि इस पे अप्लाई करते हैं। जो हमारे पास शेयर कैपिटल होगा हम उस पे क्या करते हैं, रेट अप्लाई करते हैं। तो विल टेक 15% ऑफ आपका 20 लाख रुपीज। 20 लाख, आप 20 लाख का निकालेंगे, बताओ जरा ये अमाउंट कितना निकल के आ गया? सर 3 लाख का अमाउंट, ये 3 लाख का अमाउंट आ गया। तो प्रपोज डिविडेंड जो होगा ना बच्चे, वो कितना निकल के आ गया? 3 लाख का अमाउंट। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बताया आपको? सर हाँ, सर हाँ, आप कहते हो कि डिविडेंड का जो रेट होगा हमेशा किस पे अप्लाई करेंगे आप? इक्विटी शेयर कैपिटल पे। ठीक है, तो सर फिर ये इन्फॉर्मेशन कौन से काम का है? कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। ये तो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि भैया कंपनी के पास एडिक्वेट प्रॉफिट है, खूब सारा प्रॉफिट है, आपको चिंता नहीं करना, आप 15% इसमें से आप पे कर दो। लिखे जरा इसी के बारे में, नोट लिखेंगे आप यहां पे, नोट नंबर 1 आपके लिए दे रहा हूं, लिखना। कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑब्लिक अप्लाइड ऑन लिखेंगे ऑन आपका पेड अप शेयर कैपिटल। मेरे बच्चे जो पेड अप शेयर कैपिटल होगा, पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि एक्चुअली जितना पैसा हमने शेयर होल्डर से लिया हुआ है हम उसी पे क्या करेंगे, डिविडेंड का परसेंटेज अप्लाई करेंगे। तो हमेशा क्या करेंगे, पेड अप पे इसका कोई मतलब नहीं बनता, आप ले जिसकी कॉपी कर ले, कॉपी कर ले। सर हो गया, आगे बताओ ना क्या करना है। तो मैं आपको यहां पे आओ जो फटाफट एग्जाम्पल नंबर 2 करा दूं। मुझे पता है आप बड़े बच्चे हैं, आप छोटे बच्चे तो हो नहीं नर्सरी क्लास के, पेड अप का मतलब ही आप जानते हो, पढ़ा है आपने 12th क्लास में या पढ़ रहे होंगे आप इस पेड अप के बारे में। मैं थोड़ा सा और समझाऊं कि आखिर आपका ये कहने का चाहता है। सुनिए मेरी बात ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखेंगे आप यहां पर। एग्जाम्पल नंबर 2 इस पर कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैं और इन डेप्थ में जा रहा हूं इसका। कहता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कहता है कि 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स हैं ऑफ रुपीज 10 ईच, ऑफ रुपीज 10 ईच कॉमा, कहता है मेरे बच्चे 8 कॉल्ड अप। मतलब ऐसे तो शेयर आपका 10 रुपए का है लेकिन पब्लिक से हमने क्या किया, 8 रुपीज कॉल्ड अप किया है। तो कहता है कि 1 लाख शेयर से 10 रुपए वाले 8 कॉल्ड अप आपका, 8 कॉल्ड अप। फिर कहता है कि कॉल्स इन अरियर का मतलब होता है हमने आपसे पैसा मंगाया तो था लेकिन आपने दिया ही नहीं। वो मान लो कहते मेरे बच्चे 40,000 का अमाउंट है। आप जानते हो ना कि कॉल सिन एरर का मतलब होता है कि हमने आपसे पैसा मंगाया था, हमने कॉल किया था लेकिन आपने हमें दिया नहीं, उसको हम बोलते हैं कॉल सिन एरर आपका, कॉल सिन एरर। अब मेरी बात सुनो जरा, मैं क्या बता रहा हूं। कहता है कि यहां पे जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, मतलब इस साल जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, करंट ईयर प्रॉफिट, बच्चे ये आपका कहता है सपोज दैट यहाँ पे आपका कितना ले लो बताओ, चलो 8,50,000 कुछ भी ले लो, कोई फर्क थोड़े पड़ता है, हम इस पे थोड़े निकालते हैं आपका। कहता है कि जो प्रपोज्ड डिविडेंड है, प्रपोज्ड डिविडेंड, डिविडेंड जो प्रपोज्ड यानी कि हम पे करना चाहते हैं, वो कहता है आपका 20% है। 20% बोलता है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड, बोलता बताओ डिविडेंड का वो अमाउंट कितना निकल के आएगा, अमाउंट कितना निकल के आएगा। मेरे बच्चे मेरी बात ध्यान सुनो, आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप समझदार हो, मैं जानता हूं इस बात को। देखो डिविडेंड हमेशा हम पे करते हैं आपका पेड अप शेयर कैपिटल पे। यहां तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 20 लाख आपका दिख रहा है, लेकिन मेरे बच्चे यहां पे हमें पेड अप निकालना पड़ेगा। देखो जरा पेड अप कैसे निकलता है, सॉल्यूशन सुनना। मुझे बताओ आपका जो कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब हमने जो इनसे कॉल किया है, जरा बताओ इक्विटी वालों से जो हमने कॉल किया है अभी तक वो कितना कॉल किया है? सर 1 लाख शेयर्स पे, सर 1 लाख शेयर्स पे हमने 8 रुपीज तक कॉल किया है यानी कि 8 लाख का अमाउंट। सर हमने 8 लाख रुपीज कॉल किया है, सर कॉल किया है, लेकिन जरा बताओ ना ये तो आपने कॉल किया है, मेरे बच्चे क्या आपके पास इतने रुपये आ गए हैं? अरे बोलो ना, आपने कॉल किया था पब्लिक से 8 लाख का, क्या द होल अमाउंट यू हैव रिसीव्ड? नहीं सर नहीं, 8 लाख में क्वेश्चन कहता है कि 40,000 अभी रिसीव नहीं हुआ। तो मैं इसमें से क्या करूंगा, कॉल्स इन अरियर जो है ना, कॉल्स इन अरियर
मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। मेरे बच्चे ये अभी पेड अप नहीं हुआ, ये शेयर होल्डर से पैसा नहीं आया, तो बताओ जरा आपका पेड अप, जरा बताओ पेड अप शेयर कैपिटल कितना निकल के आएगा, जरा बताओ पेड अप शेयर कैपिटल कितना निकल के आएगा। सर 8 - 40 7,60,000 का अमाउंट निकल के आया। लो ये हमारा पेड अप हो गया मेरे बच्चे। पेड अप का मतलब होता है द अमाउंट विच वी हैव एक्चुअली रिसीव फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। तो हमने कॉल किया था 8,40,000 नहीं मिला तो 7,60,000 मिला। आओ ना अब तो हम निकाल सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड निकालना है, प्रपोज डिविडेंड निकालना है तो बताओ रेट कितना चल रहा है सर 20%। आप बताओ 20% कितने का लेंगे सर 7,60,000 का। बताओ 7,60 का 20% कितना होता है, जरा देखता हूँ, मुझे इतना फास्ट क्वेश्चन करना नहीं आता मेरे बच्चे। तो 7,60,000 का 20% अगर निकालेंगे ये आपका 1,52,000 का अमाउंट निकल गया। ये 152 इतना डिविडेंड हमें पे करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ सर? हाँ सर हाँ हम समझ रहे हैं सर, हम समझ रहे हैं, लेकिन सर एक दो एग्जाम्पल और कराओगे ना तो हमें सर अच्छा लगेगा। चलो ना एक दो क्या, मैं तो हजारों करने को तैयार हूँ, लेकिन हाँ जब हमारे एग्जाम्पल खत्म हो जाए ना तो समझना कि अब हमारे सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, अब हमें कहीं से कुछ प्रैक्टिस नहीं करना। एक एग्जाम्पल और आपके लिए बनाता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिए मेरे साथ यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है, जब देखना क्वेश्चन क्या बनेगा, मुझे विश्वास है कि ये कॉन्सेप्ट आप जानते हो फिर भी गलतियां करोगे, फिर भी गलतियां करोगे। कहता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल, इस पर कहता है कि 2 लाख शेयर्स हैं, कहता है कि 2 लाख शेयर्स हैं, कहता है ₹10 ईच कॉमा, इस पर कहता है कि रुपीज आपका 7 कॉल्ड अप, ये लीजिए 7 रुपीज तक कहता है कि हमने अभी तो कॉल किया जी, 7 कॉल्ड अप आपका है। और बच्चे फिर कहता है यहाँ पे कॉल्स इन अरियर, मुझे पता है आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है और आपका हाँ चलना शुरू भी हो गया कि सर मैं पहले करूँगा मैं पहले करूँगा, लेकिन थोड़ा ठहरो ना, जरा आगे की बात भी तो सुन लो। ये कॉल्स इन अरियर कुछ नया नहीं है, वहीं से मैंने निकाला। हाँ एक नाम और लिखता हूँ, कॉल्स इन एडवांस, एक नाम और, आपने नाम तो सुना ही होगा, आपने नाम तो सुना ही होगा, कॉल्स इन एडवांस। कहता है कि मान लो यहाँ पे 25,000 का अमाउंट है। मेरे बच्चे कॉल्स इन अरियर का मतलब होता है हमने पैसा मांगा बट आपने दिया नहीं। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है हमने मांगा नहीं है, आपने एडवांस में पैसा दे दिया है, एडवांस में। फिर कहता है इसके बाद, फिर कहता है इसके बाद कि आपका प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड ये कहता है आपका यहाँ पे 25% है, 25%। और कहता है मेरे बच्चे ब्रैकेट में यहाँ पे इंक्लूडिंग, ब्रैकेट में कहता है आपका इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। और पता है फिर क्या बोल रहा है, यहाँ कहता है कि जो आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया है, इंटरिम डिविडेंड जो आपने पे किया है, वो कहता है अमाउंट मान लो यहाँ पे 1,30,000 का अमाउंट आपका है, 130। सर ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है थोड़ा सा सुन लो, बाकी आप लॉ में पढ़ोगे। मेरे बच्चे इंटरिम डिविडेंड का मतलब होता है कि अगर देखो, रुको रुको जरा सुनो मेरी बात, मेन चीज बता दूं पहले कि जनरली रूल जो होता है ना बच्चे, कंपनी इस साल जो प्रॉफिट कमाती है ना, इस प्रॉफिट पे अगले साल आपको डिविडेंड पे करती है। इस साल जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उस पे डिविडेंड आपको अगले साल पे होता है, क्योंकि बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होता है, एजीएम होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो होते होते अगला साल आ ही जाता है 100% श्योरिटी के साथ। इसलिए जब भी डिविडेंड आप इस साल का पे करते हो तो जनरली अगले साल पे करते हो, तभी तो मैं लिखा करता था प्रपोज्ड, हमने जो अभी प्रपोज किया है आगे पे करने के लिए। लेकिन बच्चे कानून हमें अलाउ करता है कि अगर हमने खूब सारा प्रॉफिट कमा लिया, खूब सारा प्रॉफिट इस साल, और हमें विश्वास है कि प्रॉफिट और भी ज्यादा अच्छा होने वाला है, तो मैं चाहूं तो अपने शेयर होल्डर को ना इस साल ही डिविडेंड पे कर सकता हूं। मेरी बात ध्यान सुनना, जनरली इस साल का डिविडेंड हम पे करते हैं अगले साल, उसको हम बोलते हैं प्रपोज्ड। लेकिन इंटरिम का मतलब होता है कि कंपनी अगर खूब सारा प्रॉफिट इस पर कमाने वाली है और कमा चुकी है, तो वो चाहे तो अपने शेयर होल्डर यानी कि मालिक को खुश करने के लिए इस साल का प्रॉफिट इस साल ही डिविडेंड ग्रुप में दे सकती है। मेरे बच्चे अगर इस साल के प्रॉफिट से इस साल ही डिविडेंड पे किया गया है, हम उसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम मतलब साल के बीच में ही जो हमने पे कर दिया, बात समझ में आ रही है?
तो ये कहता है कि आपने टोटल डिविडेंड जो आपने सोचा है पे करने के 25% है, जिसमें इंटरिम भी मिला हुआ है, और इंटरिम हम ऑलरेडी कितना पे कर चुके हैं, 1,30,000. बोलता है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड. बोलता बताओ कि प्रपोज डिविडेंड जो आपका होगा उसका अमाउंट कितना होगा. मेरे बच्चे कहां मेरा मन कर रहा है प्रपोज समझने का. पहले तो मन कर रहा है कि सर मैं पेड अप शेयर कैपिटल निकालकर आपको बता दूं और मैं और आप दोनों खुश हो जाए कि हमें पेड अप शेयर कैपिटल निकालने आता है. आओ जरा देखते हैं कि पेड अप कैसे निकलेगा. ध्यान सुनना, आगे आगे मत करो, गलतियां ही करोगे, मुझे पता है. देखो पेड अप को क्या बोला गया है. पहले आपको जानना पड़ेगा यहां पे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कितना है. कॉल्ड अप मतलब हमने शेयर होल्डर से अभी तक पैसा मंगाया कितना है. देखो ना, 2 लाख शेयर्स हैं. जरा बताओ पर शेयर आपने कॉल कितना किया है, सर 7 रुपीज. कितना अमाउंट आपका हो गया, सर 14 लाख. मेरे बच्चे ये कॉल्ड अप है, ये हमारा कॉल्ड अप है. 14 लाख हमने क्या किया, कॉल किया है, 14 लाख कॉल किया है. मुझे बताओ ना कि इसमें से कितना नहीं आया, मतलब कितना हमने पैसा मांगा था लेकिन बदमाशों ने हमें दिया नहीं, वो कितना अमाउंट है, सर 60,000. देख रहे हो इन्होंने नहीं दिया अभी, तो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल. चलो देखो इसका क्या करेंगे, तो जरा सुनना मेरी बात. पेड अप शेयर कैपिटल को डिफाइन किया गया है कि पेड अप को होने के लिए पहले कॉल्ड अप होना जरूरी है. मेरे बच्चे पेड अप के लिए पहले कॉल्ड अप होना जरूरी है, यानी कि आपने जितना कॉल किया, उसमें से जो पैसा आया है ना, दैट इज कॉल्ड पेड अप शेयर कैपिटल. मुझे एक बात बताओ, हमने कॉल कितना किया था, 14 लाख, उसमें से कितना नहीं आया, 60 नहीं आया, तो बताओ पेड अप कितना आपका हो गया, 13,40,000. मेरे बच्चे ये हमारा हो गया जी पेड अप शेयर कैपिटल. इसको हम क्या बोलेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल. सर ये क्या कर रहे हो आप, वो कॉल्स इन एडवांस का कुछ नहीं करोगे, तो नहीं बच्चे मैं इस कॉल्स इन एडवांस का कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आर पेड अप शेयर कैपिटल. पेड अप के लिए पहले कॉल्ड अप होना चाहिए, तब पेड अप होता है. जब हमने कॉल ही नहीं किया तो फिर पेड अप कैसे हो सकता है. कॉल्स इन एडवांस का मतलब है हमने आपसे पैसा मंगाया नहीं, आपने एडवांस में ही दे दिया, पहले ही दे दिया, तो मेरे बच्चे अभी तक ये कॉल ही नहीं हुआ है. पहले कॉल्ड अप होना जरूरी है, उस कॉल्ड अप में जितना पैसा आएगा उसी को हम पेड अप कहेंगे. तो चलो बताओ पेड अप कितना आपका हो गया, 13,40,000. बात समझ में आ गई सर? हाँ सर हाँ. अच्छा मुझे बताओ, चलो मैं अभी तक थोड़ा मिटा दूं, मुझे जगह की रिक्वायरमेंट है. हमारा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल तो निकल गया. अब चला बताओ कि आपका टोटल डिविडेंड जो हमें पे करना है, टोटल डिविडेंड वो हमने कितना डिसाइड किया है. सर कहता है कि इंक्लूडिंग इंटरिम ये 25% होगा. मुझे बताइए 25% कितने का निकाला जाएगा. सर 25% निकाला जाएगा पेड अप शेयर कैपिटल का. जरा बताओ पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 13,40,000. जरा बताओ 13,40,000 का 25% कितना होता है, तो 13,40,000 का मेरे बच्चे अगर आप निकालेंगे 25%, तो आपका अमाउंट आ गया 3,35,000 का, 335 का. समझ रहे हो मेरी बात? सर हाँ सर हाँ. अच्छा बताओ 335 में हम कितना ऑलरेडी पे कर चुके हैं, यानी कि इंटरिम डिविडेंड जो आपका है, इंटरिम जो हम पे कर चुके हो कितना बता रहा क्वेश्चन आपका. सर वो कहता है कि 1,30,000 सर. तो आप देखो इसमें से 1,30,000 पे कर चुके हो, तो बताओ जरा अभी और जो पे करना है, दैट इज कॉल्ड प्रपोज्ड, यानी कि जो अभी इस साल का अगले साल पे करना है वो अमाउंट कितना आपका हो गया, तो 335 माइनस 130, सर ये अमाउंट आ गया 2,05,000 का अमाउंट. मेरे बच्चे 2,05,000 ये हमारा प्रपोज्ड डिविडेंड निकल के आ गया. मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रपोज्ड डिविडेंड का मतलब होता है कि डिविडेंड जो अभी हमें और आगे पे करना है, दैट इज प्रपोज्ड आपका. प्लीज कॉपी कर लें, यहां तक आप कॉपी कर लें. सर हो गया, सर हो गया. देखो मुझे यही बात समझानी थी, लेकिन मेरे बच्चे मुझे ना एक बात और समझाना है. देखो मैं आपको बिल्कुल नहीं मान रहा कि आप छोटे बच्चे हैं, ये मानते हुए कि आप काफी बड़े बच्चे हैं, मैं कुछ और समझाऊंगा इसी केस के अंदर में जो हम डिविडेंड का पेमेंट करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट. सुन लो मेरी बात यहाँ पे. सर हाँ सर, बताओ आगे क्या कहना है. लो मैं पहले इसको मिटा दूं, फिर मैं आपसे आगे की बात करता हूँ. ये लीजिए मेरा काम ही पूरा हो गया, ये काम मेरा पूरा हो गया. अब ना एक काम करो आप, एक काम करो मेरे साथ. अब लिखो इसी के अंदर में कॉन्सेप्ट ऑफ, लिखेंगे आप यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड.
सर ये नया टॉपिक है, नहीं बच्चे इसी में कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, शॉर्ट में इसको हम डीडीटी कहते हैं, डीडीटी। सर ये क्या है मेरे बच्चे, हमारे कंट्री में रूल है, आप टैक्स में पढ़ रहे होंगे या पढ़ेंगे कि जब भी कंपनी डिविडेंड पे करती है, जब भी कंपनी डिविडेंड पे करती है तो मेरे बच्चे डिविडेंड को जब पे करेगा तो आपको उस पर टैक्स भी पे करना पड़ेगा, और ये टैक्स पेमेंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंपनी के ऊपर होती है। तो जो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेगी, जब वो डिविडेंड पे करेगी तो उसको डीडीटी भी पे करना पड़ेगा, और ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नाउ डीडीटी कितना पे किया जाएगा, कैसे होगा, मैं आपको समझाता हूँ कैसे निकाला जाता है, लेकिन मैं टैक्स की क्लास में नहीं जाना चाहता, टैक्स की क्लास नहीं जाना चाहता, आप मेरी बात ध्यान सुनो। दो फिगर आपको यहां पे याद करना पड़ेगा, दो फिगर आपको याद करना होगा, क्योंकि ये टैक्स वाले सर आपको ठीक से समझाएंगे, मैं जाऊंगा तो बहुत लंबी बात चली जाएगी, मैं उतना नहीं जाना चाहता। देखो जो डीडीटी है ना बच्चे, इसका जो आपका बेसिक रेट है, बेसिक रेट आपका डीडीटी का, वो आपका अभी 15% चल रहा है, 15%। लेकिन देखो इसका जो आपका टोटल है, मतलब टोटल जो आपका चल रहा है रेट, टोटल रेट, टोटल रेट का मतलब क्या होता है, तो मेरे बच्चे इसमें बेसिक रेट है, बेसिक यानी कि 15% आपका जो है, प्लस यहाँ पे आपके सरचार्ज हो जाएंगे, सरचार्ज हो जाते हैं, फिर इसमें आपका सेस हो जाते हैं, मैं उतना डिटेल नहीं जाऊंगा। ये मिलकर अभी हमारी कंट्री में 17.304% का रेट चल रहा है, आपको ये दो फिगर याद रखना पड़ेगा, बस ये दो फिगर याद रखना पड़ेगा। आप अपने टैक्स वाले सर से इसके बारे में बात करना, मैं वहां पे नहीं जाना चाहता, मैं आपको ये मानते हुए कि रेट आपको याद है, मैं डीडीटी निकालना सिखाता हूं, क्योंकि एग्जाम में आपके आ सकते हैं कि बताओ डीडीटी कैसे निकाला जाएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लिखो मेरे पास यहां पे एग्जाम्पल नंबर वन, इसके अंदर में एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल नंबर वन सुनना, कहता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये कहता है अमाउंट मान लो यहां पे आपका 2 लाख का अमाउंट है, मतलब ये पेड अप शेयर कैपिटल हो गया बच्चे, है ना। कहता है कि प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, जो डिविडेंड आपका प्रपोज्ड है, डिविडेंड जो प्रपोज्ड है, वो कहता है कि मान लो यहां पे आपका कितना ले लो, चलो मैं 15% ले लेता हूं। बोलता है कि कैलकुलेट, कैलकुलेट प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, डिविडेंड जो आप जानते हैं कैसे निकल के आएगा, और कहता है कि एंड डीडीटी यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हमें निकालना है बच्चे। ये एक नया पॉइंट निकल के आ रहा है, लिखिए मेरे साथ सॉल्यूशन में। पहले आपको यहां पे प्रपोज डिविडेंड, देखो यही एक टॉपिक है जो मैं आपको रटाता हूं, क्योंकि ये टैक्स से जुड़ा हुआ है, हम पूरा डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन आपको समझ में आएगा, चिंता नहीं करना। बताओ 2 लाख का पेड अप शेयर कैपिटल है, 2 लाख पे रेट कितना बता रहा आपको सर, 15%, ये कितना अमाउंट आपका हो गया सर, 2 लाख का 15% यहाँ पे 30,000 का अमाउंट हो गया सर, 30,000 का अमाउंट आपका, मेरे बच्चे प्रपोज डिविडेंड 30,000 आपका हो गया। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ डीडीटी कैसे निकाला जाता है, ध्यान सुनना, डीडीटी कैसे निकाला जाएगा, प्लीज ध्यान सुनना। ये जो डिविडेंड है ना बच्चे, डिविडेंड उस अमाउंट को आप यहां लिखो, उस अमाउंट को यहां लिखो। हमारा इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि हम मानेंगे, जरा देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, मानेंगे कि अगर कंपनी टोटल डिविडेंड पे करना चाहती थी, अगर करना चाहती थी 100 रुपए का, मान लो मैं ऐसे एज्यूम कर रहा हूं, मैं एक रेशियो बना रहा हूं, इनकम टैक्स अथॉरिटी कहती है कि अगर मान लो कंपनी टोटल डिविडेंड इतना पे करना चाहती थी, तो इसमें से डीडीटी वो हमें कितना पे करेगी, 15, बेसिक रेट की बात कर रहा हूं, बेसिक रेट आपका। तो जरा बताओ जो एक्चुअल डिविडेंड जो पब्लिक को दिया जाएगा, एक्चुअल डिविडेंड आपका वो कितना पे किया जाएगा सर, वो हो जाएगा आपका 85, है ना, ये माना जाता है बच्चे इनकम टैक्स अथॉरिटी के द्वारा। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि जरा बताओ ये जो 30,000 का अमाउंट है, ये टोटल है या जो पब्लिक को देना है वो है, क्योंकि ये अमाउंट पब्लिक को दिया जा रहा है, ये अमाउंट पब्लिक को दिया जा रहा है सर, ये तो पब्लिक को जो दिया जा रहा है उसके बराबर है, है ना, पब्लिक को कितना दिया जा रहा है जी, इस रेशियो के मुताबिक 85। पर बच्चे आपने क्या करना है, ये जो 30,000 का अमाउंट है इसको आप 85 से डिवाइड करोगे। 85 का मतलब क्या होता है जी, 100 में, एक मिनट कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि 15 दो जगह आ जाएगा, मैं इस रेट को ना 20% कर देता हूं बिल्कुल आपके लिए, ताकि आप परेशान ना हो। तो बताओ 2 लाख का 20% कितना हो गया, यहां पे चेंज कर लो आप भी, ये हो गया 40,000 का अमाउंट।
मैं चाहता नहीं कि रेट कोई मैच करे बच्चों, और कोई खास रीजन नहीं है। ये 40,000 का जो डिविडेंड आपका है, 40,000, ये माना जाएगा कि ये जो आपका है ना, इसमें से ये काटने के बाद जो है वही अमाउंट है, यानी कि आप इसको क्या करेंगे 85 से डिवाइड करेंगे। ये जिसके बराबर अमाउंट होगा, जो अमाउंट हम पब्लिक को पे कर रहे हैं, उस रेशियो से हम डिवाइड करेंगे। और हमें इसका पहले ग्रॉसिंग अप करना है। ग्रॉसिंग अप का मतलब होता है कि टोटल के बराबर जो अमाउंट होगा उसको निकालना होगा, यानी कि आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर बच्चे ये जो काम किया ना हमने, ये जो काम किया, ध्यान दीजिए, आपके टैक्स के लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं ग्रॉसिंग अप। ग्रॉसिंग अप लिखे यहां पे, ग्रॉसिंग अप ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का ग्रॉसिंग अप करना मतलब टोटल डिविडेंड को पता करना कि टोटल डिविडेंड एक्चुअली कंपनी कितना पे करना चाहती होगी। पर बच्चे इस पर आपने क्या करना है, रेट अप्लाई करना है, लेकिन ध्यान से 15% नहीं। जरा बताओ सरचार्ज जो है, सेस जो है, सब मिलाकर रेट कितना हो गया? सिर्फ 17.304%। मेरे बच्चे इस रेट से आपको निकालना पड़ेगा, इस रेट से। तो बताओ ये अमाउंट कितना आपका हो जाएगा। पहले हमने क्या किया, जो हमारा टोटल डिविडेंड है हमने उसका ग्रोसिंग अप किया। ग्रोसिंग अप करने के बाद जो एक्चुअल रेट आपका चल रहा है, एक्चुअल रेट ऑफ डीडीटी, एक्चुअल रेट का मतलब हो गया आपका सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद, यानी कि टोटल रेट। एक काम करूं क्या, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो टोटल रेट को मैं यहां पे क्या करता हूं, एक्चुअल रेट लिख देता हूं, आप भी लिख दो ताकि आपको परेशानी क्रिएट ना हो। अब मुझे बताओ ये अमाउंट कितना निकल के आता है, बताओ जरा। तो सर 40,000 का अमाउंट है, डिवाइड बाई 85 मल्टीप्लाइड बाई 100, और फिर आपने क्या किया सर, इसको मल्टीप्लाई किया 17.304% से, तो ये अमाउंट आ गया मेरे बच्चे 8143 राउंडिंग अप में, यानी कि इतना आपको डीडीटी पे करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान रख सुना, जो डिविडेंड आप पे कर चुके हो या डिविडेंड जो पे करना है, चाहे वो प्रेफरेंस पे हो चाहे इक्विटी पे हो, फर्क नहीं पड़ता, सभी पे जितना डिविडेंड पे कर रहे हो, पहले हम क्या करेंगे उसका ग्रोसिंग अप करेंगे। हमेशा आपको डिवाइड करना 85 से, ये मानते हुए कि 15% का जो बेसिक है ना, वो हटाने के बाद जो अमाउंट है उसके बराबर है जी। तो 100 यानी कि टोटल डिविडेंड कितना है, हमने ग्रोसिंग अप किया, फिर हमारा जो एक्चुअल रेट है जो अभी चल रहा है बच्चे, सब कुछ ऐड करने के बाद उससे हमें मल्टीप्लाई कर देना है, यही तरीका आपका निकल के आएगा। टैक्स में आप इसके बारे में सीखेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, टैक्स नहीं भी पढ़ा तो भी बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल अकाउंटिंग कंपनी में एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो डीडीटी के बारे में पूछ सकता है। आई बात समझ में? सर हां। तो प्लीज आप यहां तो कॉपी कर लो, मुझे एक दो क्वेश्चन और कराने का मन कर रहा है, इसके ऊपर में बातें और बन जाएंगी। हो गया सबका? सर हो गया। लो हमने यहां पे एग्जांपल नंबर 1 खत्म किया मेरे बच्चे। अब मैं आता हूं आपके पास एग्जांपल नंबर 2 के पास। आपका लिखे मेरे साथ यहां पे एग्जांपल नंबर 2 लिखेंगे। इस पर थोड़ा मैं बड़ा क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए, बड़ा क्वेश्चन। कहता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल लिखिए मेरे साथ यहां पे। ये कहता है कि आपका 2 लैक्स शेयर्स हैं ऑफ रुपीज टेन ईच कॉमा, कहता है कि 7 कॉल्ड अप। फिर 7 छोड़ो ना, कुछ नया दो ना, चलो आप 8 कर लो, फिर क्या जाता है, 8 कुछ भी कर सकते हैं बदमाश, कुछ भी कर सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल कहता है कि 10 रुपए वाले 8 कॉल्ड अप। फिर कहता है यहां पे कॉल्स इन अरियर, यानी कि हमने जो पैसा मंगाया बट आपने दिया नहीं मेरे बच्चे। ये कहता है आपका मान लो 70,000 का अमाउंट है, 70,000। फिर कहता है कि कॉल्स इन एडवांस। अब आप समझ चुके हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कोई काम का भी नहीं होता डिविडेंड के लिए। आपका मान लो ये अमाउंट 50,000 का अमाउंट है, 50,000। फिर मेरे बच्चे कहता है यहां पे 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आप इस बात को जानते हैं कि कंपनी में दो ही मालिक होते हैं, एक इक्विटी दूसरा प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस वालों का रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा फिक्स होता है बच्चे। ये अमाउंट कहता है कि मान लो इनका 5 लाख का अमाउंट है, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फुली पेड अप आपका है, कुछ ना बताया तो। फिर कहता है इंटरिम डिविडेंड, जो डिविडेंड हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं इस साल ही ऑन इक्विटी शेयर्स, आपके जो इक्विटी शेयर्स हैं उन पे कहता है कि हम ऑलरेडी जो पे कर चुके हैं वो अमाउंट आपका 1,20,000 का अमाउंट है, 120। और कहता है मेरे बच्चे प्रपोज्ड डिविडेंड, यानी कि जो अभी और हम पे करना चाहते हैं, ऑन इक्विटी शेयर्स, वो कहता है आपका यहां पे
मैं कितना ले लूं, मान लो 15%, लेकिन ध्यान दो इस बार क्या लिख रहा हूं, पिछले वाले एग्जाम्पल में इंक्लूडिंग कहा था, इस बार कहता हूं कि एक्सक्लूडिंग कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन बताएगा इंटरिम डिविडेंड, मतलब ये जो अमाउंट है ना वो कहता है कि इंटरिम डिविडेंड जो है उसके अंदर नहीं मिला हुआ, सुनने मेरी बात, ये जो आपका अमाउंट जो है कहता है कि इस ये प्रपोज डिविडेंड जो 15% बता रहा है उसमें इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट नहीं है, यानी कि ये अलग है, ये अलग है, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, क्वेश्चन साफ साफ शब्दों में हमेशा बताएगा कि वो इंक्लूडिंग है कि एक्सक्लूडिंग है। बोलता है कि कैलकुलेट कैलकुलेट आपका टोटल डिविडेंड एंड डीडीटी डीडीटी, हमें ये निकालना मेरे बच्चे, देखो कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। यहाँ पे पहले तो मैं सॉल्यूशन में एक काम करता हूँ, पहले मुझे डिविडेंड पता करना है, उसके पहले हमें पता करना है कि हमारा पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल कितना होगा। अब मुझे पता है कि आप मुझसे आगे आगे काम करना शुरू कर चुके हैं, तो आओ जरा देखते हैं क्या निकल के आएगा, सुनो मेरी बात 2 लाख शेयर्स पे 8 रुपीज तो कोल्ड अप, तो 2 लाख इंटू 8 16 लाख का अमाउंट हो गया, बताओ 16 में कितना नहीं आया है, सर 70,000, तो बताओ पेमेंट कितना हो गया, मतलब पेड कितना हो गया, 15,30,000। क्या आप इसका भी कुछ करोगे क्या, नहीं सर कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है सर, पेड अप जो आपका वो 15,30,000 का अमाउंट हो गया, ठीक है। आओ ना अब डिविडेंड निकालते हैं, जरा बताओ पहले आपका, यहाँ पे मैं इधर निकाल दूँ क्या, पहले बताओ डिविडेंड जो आपका है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना है, पहले वो बताइए आप, प्रेफरेंस शेयर्स जो आपके हैं इन पे रेट ऑफ डिविडेंड हमेशा फिक्स होता है बच्चे, और वो रेट हमेशा उनके साथ लिखा रहता है, तो 5 लाख का कितना बता रहा है, 12%, ये कितना अमाउंट आपका हो गया, 60,000। बात समझ में आ रही है सर, हाँ सर हाँ, फिर आप लिखो यहां पे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, मुझे बताओ इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड कितना निकल के आएगा, इक्विटी पे सर एक तो इंटरिम बताइए, इक्विटी पे आपका इंटरिम मतलब इस साल का डिविडेंड जो मैं इस साल ही इनको पे कर चुका हूं अमाउंट कितना बता रहा है, सर 1,20,000, ठीक है। अच्छा बताओ इनपे प्रपोज्ड यानी कि जो अभी और आगे मुझे इनको पे करना है, जरा बताओ वो कितना बता रहा बच्चों, सर ये प्रपोज कहता है आपका 15% है सर, 15%, मुझे कोई बताएगा कि ये 15% जो रेट बता रहा है वो कितने का लिया जाएगा, सर ये लेंगे पेडअप का, यानी कि 15,30,000 का। जरा बताओ 15 लाख कितना था जी, 15,30,000, आप बताइए 15,30,000 का कितना निकल के आएगा यहाँ पे 15%, सर ये आ गया 2,29,500 का अमाउंट। मुझे बताओ कि टोटल डिविडेंड कितना हो गया, टोटल डिविडेंड कितना निकल के आ गया, सर ये 229,500 का अमाउंट प्लस सर आपका वो इंटरिम जो है ना वो 1,20,000 है सर, और प्लस पता है सर कितना, 60,000 जो ऊपर में दिख रहा है, यानी कि ये टोटल आ गया 4,09,500। लीजिए हमारा डिविडेंड जो है ना बच्चे वो निकल गया कि प्रेफरेंस को और इक्विटी को, इक्विटी में इंटरिम और जो प्रपोज सब मिला के डिविडेंड कितना बना। देखो एक ही काम तो बच गया, डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, मेरी बात सुनो बच्चे, मुझे पहले क्या करना होगा ना, ये जो टोटल डिविडेंड आपका है इसका ग्रोसिंग अप करना होगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि डीडीटी हमें पे करना होता है, चाहे वो इंटरिम हो, चाहे वो प्रपोज्ड हो, चाहे वो इक्विटी पे हो, चाहे प्रेफरेंस पे, सब पे हमें पे करना होता है। तो मुझे बताओ ये 4,09,500 का जो अमाउंट आपका है टोटल डिविडेंड, मुझे बताइए कि ये कितने से डिवाइड किया जाएगा, सर 85 से। अच्छा बताओ ये मल्टीप्लाई किससे आपका होगा, सर 100 से। कोई बताएगा कि हम इस प्रोसेस को बोलते क्या है, सर दिस इज कॉल्ड ग्रोसिंग अप। क्या एग्जाम में हमें लिखना है कि ग्रोसिंग अप ये है, नहीं सर नहीं, हमें एग्जाम में नहीं लिखना, ये तो आप हमें समझा रहे हो कि इस पार्ट का मतलब क्या होता है, ग्रोसिंग अप करना, ग्रोसिंग अप। अच्छा मुझे जरा बताओ ना कि ये जो ग्रोसिंग अप तो हो गया, अब हमें डीडीटी का अमाउंट निकालना है, तो डीडीटी में 15% लो यानी कि बेसिक रेट लो कि एक्चुअल रेट, सर एक्चुअल तो 17.304% से मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना निकल के आ गया, ये 4,09,500 का जो अमाउंट है
आप इसको डिवाइड करेंगे आप 85 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और मेरे बच्चे जो अमाउंट आएगा उसका 17.304% आप निकालेंगे। ये अमाउंट आ गया आपका 833, आप लिखेंगे यहाँ पे 833 और आपका 65 का अमाउंट राउंडिंग अप में लीजिए। ये भी काम हमारा पूरा हो गया, ये भी काम पूरा हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया बच्चे, डिविडेंड के बारे में हमने सीखा कैसे काम किया जाएगा। आई बात समझ में? सर हाँ सर हाँ सर, बुक से कोई क्वेश्चन कराओ ना। नहीं बच्चे, इस पे बुक पे मैंने क्वेश्चन कुछ रखा ही नहीं है, ये तो सिंपल सिंपल टॉपिक है, मैं खुद लिखवाता हूँ खुद कराता हूँ ताकि बच्चों को ज़्यादा समझ में आए। तो आप ध्यान रखना, एग्जाम में आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा वो इससे हट के कुछ नहीं आएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन निकल के आएगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। तो आज हम क्लास को यहीं रोकेंगे बच्चे, इस क्लास को हम यहीं रोकेंगे। जब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा डिविडेंड का पेमेंट करना आउट ऑफ पास्ट ईयर रिजर्व, पास्ट ईयर पहले के रिजर्व से अगर पेमेंट किया जाए तो हमारे कंट्री का रूल, हमारे कंपनी जैक क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, हम उसके बारे में सीखेंगे। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा एंड थैंक यू बच्चों। इसके आगे अभी कुछ भी नहीं पढ़ना, इतना ही पढ़ के आना है अगली क्लास के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू।